हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मैनफोर्स 50 मिलीग्राम टैबलेट की। ये जो मैनफोर्स टैबलेट है, इसके अंदर मेन कंटेंट होता है सिलडेनाफिल। ये 50 मिलीग्राम इस टैबलेट के अंदर होता है। इसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड ये कंपनी बनाती है। और इस मैनफोर्स टैबलेट की एक स्ट्रिप जो आती है, उसके अंदर 9 टैबलेट्स होती है, जिनकी प्राइस है 297 रुपीज। देन आगे हम मैनफोर्स टैबलेट के यूजेस देखते है। दोस्तों, इस मैनफोर्स टैबलेट का मेन यूज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर करते हैं, यानी इसे हम नपुंसकता कहते हैं। जब पुरुषों का सेक्सुअल एक्टिविटी करने के दौरान लिंग इरेक्ट नहीं होता है, यानी उनका पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, तो इसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, यानी नपुंसकता कहते हैं। तो इसे ठीक करने का काम ये मैनफोर्स टैबलेट करती है। दोस्तों, 100 में से 50 लोगों को इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी होती है, तो इसे ठीक करने का काम ये मैनफोर्स टैबलेट करती है। देन आगे देखते हैं मैनफोर्स टैबलेट वर्किंग। ये जो मैनफोर्स टैबलेट है, इसके अंदर सिलडेनाफिल ये कंटेंट होता है, जो कि फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर है। देखिए दोस्तों, ये सिलडेनाफिल क्या करता है, मेनली जो पेनिस यानी लिंग के यहाँ ब्लड वेसल्स होती है, उनको रिलैक्स करते हैं। और इसके वजह से लिंग के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जब आप सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हो तो आपका लिंग इरेक्ट होता है। ऐसे मेनली ये मैनफोर्स टैबलेट काम करती है। देन आगे हम मैनफोर्स टैबलेट के डोसेज देखते हैं। दोस्तों, ये जो मैनफोर्स टैबलेट है, इसे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। ये जो मैनफोर्स टैबलेट है, इसका अडल्ट डोज जो है वो है 50 मिलीग्राम, यानी एक टैबलेट दिन की आपको लेनी है। जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है, उनको 25 मिलीग्राम यानी आधी गोली लेनी है। और दोस्तों, यदि आप 50 mg यानी एक टैबलेट लेते हो तो भी आपके अंदर कुछ असर नहीं दिखता है, तो आपको इसका डोज बढ़ाना है, जो कि 100 मिलीग्राम यानी 2 टैबलेट पर डे आपको लेनी है। ये जो टैबलेट है, इसे आपको इंटरकोर्स यानी संभोग करने के 1 घंटे पहले लेना है। 1 घंटे पहले यदि आप ये टैबलेट लेते हो तो इसका बेस्ट रिजल्ट दिखता है। तो ये मेन मैनफोर्स टैबलेट के डोसेज है। देन आगे हम मैनफोर्स टैबलेट से जुड़े प्रिकॉशंस देखते हैं। दोस्तों, ये जो मैनफोर्स टैबलेट है, वो जिनको कोरोनरी हार्ट डिसीज है और जो कि नाइट्रेट्स ले रहे हैं, ये नाइट्रेट्स ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि चेस्ट पेन के अंदर दी जाती है। तो यदि आपको सीने में दर्द होता है तो आपको नाइट्रेट्स दी है, तो ये मैनफोर्स टैबलेट आपको नहीं लेनी है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन पेशेंट्स के अंदर। देन जिनको लीवर और किडनी से रिलेटेड डिसीज है, या तो जिनको हार्ट अटैक आया है, जिनको स्ट्रोक आया है, या तो पेप्टिक अल्सर हुए है, या तो उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर से, इन सभी को डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देन वो ये मैनफोर्स टैबलेट ले सकते हैं। तो ये सभी प्रिकॉशंस आपको इस टैबलेट लेने से पहले लेने हैं। लास्ट में देखते हैं मैनफोर्स टैबलेट साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, इस टैबलेट के वजह से मेनली हेडेक, डिजीनेस, देन लूज मोशंस एंड फॉल इन बीपी, यानी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी है मैनफोर्स 50 मिलीग्राम टैबलेट की। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।